अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो क्या हाल है हमारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अरबी गोश्त की बहुत ही कमाल मज़ेदार लजीज झटपट रेसिपी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आधा किलो अरबी काट के धो के नमक ला के रख ली है। आधा किलो हमने मटन लिया है। प्याज टमाटर और नमक के साथ इसको गला लेना है जी। धनिया और हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट और ये मसाला जाते हैं। स्क्रीन पे क्वांटिटी आ जाएगी। और ये यखनी, एक कप हमने ऑयल लेना है जी पैन के अंदर। इसमें अब हमने ना गोल्डन ब्राउन होने तक ना अरबी फ्राई करने हैं। अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, याद से भुलाना नहीं है। तो जी अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का हमने पेस्ट दो दो चम्मच हमने जी फ्राई कर लेना। उसमें फिर मसाले थोड़ी देर डाल के भूनेंगे। अब हम इसमें गोश्त, प्याज और टमाटर के साथ ऐड करेंगे। नमक हमने दोनों में डाला हुआ था तो नमक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। हरी मिर्चों के साथ इसको थोड़ी देर भूनेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हमने ये अरवी डाल दी है। इसके साथ अब हम इसको कुछ देर पकाएँगे। थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें ना वो यखनी ऐड करेंगे। आँच को हमने हल्का कर देना है और अब हम इसको ना ढक्कन दे के पकने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है जी। लो जी कैसा, फिर सालन हमारा रेडी हो गया जी। गल गई थी गोश्त भी और अरवी भी। धनिया से अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे, डिश आउट करेंगे, रोटी पकड़ेंगे और सालन को गायब करेंगे। तो जी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।